हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद संध्या अष्टक शिवे। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा ए, बी और सी पार्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या करना है आपको, सब्सटीट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। देखिए यहाँ पे ना आपको एक्स की जगह माइनस थ्री फिल करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको आंसर जो भी आएगा वो लिखना है, ठीक है। तो एक्स की जगह यहाँ पे हमें माइनस थ्री लिखना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो पहला वाला ए पार्ट है आपका, ए एक्स का स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर कीप्स ब्रैकेट माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री प्लस फोर, ठीक है। और उसके राइट हैंड साइड में आंसर दिया है नाइन प्लस टू प्लस फोर इज इक्वल टू फिफ्टीन, ठीक है। तो पहले तो हम इसको लेंगे केवल लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ये एक्स का स्क्वायर प्लस ये आपका दिया हुआ है फाइव एक्स, ठीक है, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं हम पहले। और ये फोर, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। अब इसमें अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह हम माइनस थ्री फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक्स है तो यहाँ इसकी जगह हम माइनस थ्री फिल कर लेंगे, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब ये प्लस है तो प्लस, अब ये फाइव है तो फाइव, और इसके साथ भी एक्स है तो यानी एक्स की जगह हम यहाँ पे माइनस थ्री लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये प्लस फोर है तो प्लस फोर, ठीक है, ये किया हमने। अब आगे देखिए, अब इसका जब हम करें थे माइनस थ्री का माइनस थ्री से करें तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का नाइन बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि मान लीजिए माइनस थ्री का इंटू करते हैं माइनस थ्री से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका थ्री थ्री जा तो नाइन होता है, ठीक है, नाइन हो जाएगा, एक सेकेंड, नाइन हो गया। और ये दोनों माइनस का है तो ये अपना प्लस बन गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो इसी तरह से ये आपका हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, देखिए अब ये नाइन आ गया आपका यहाँ पे, अब उसके बाद ये प्लस और ये माइनस है, ठीक है। तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन, तो और प्लस माइनस माइनस होता है यानी माइनस का फिफ्टीन हो जाएगा, और ये प्लस फोर एज इट इज हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस फोर आपका एज इट इज हो जाएगा। तो इसमें आपका देखिए और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो नाइन प्लस फोर कितना हो जाएगा थर्टीन, और ये माइनस फिफ्टीन, तो थर्टीन में से फिफ्टीन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू आएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो राइट इसके बराबर में जो आंसर दिया हुआ है राइट साइड में वो आपका 15 दिया हुआ है, लेकिन हमारा आंसर तो माइनस टू आएगा, ठीक है, बुक वाले ने तो गलत दिया हुआ है। तो इसको हम करेक्ट स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं इसको, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट जो एक्स का स्क्वायर प्लस फाइव एक्स है वो आपका 15 के बराबर नहीं है, ठीक है, 15 के बराबर नहीं है, वो हमारा माइनस टू के बराबर में, ठीक है, उसका आंसर क्या है, माइनस टू, ठीक है। तो ये था हमारा ए वाला पार्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है ऐसे टाइप के, ठीक है। तो चलिए करते हैं बी वाले पार्ट को। अब इसमें भी दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर गिव्स माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फाइव फिर स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस थ्री प्लस फोर, और इसके जो राइट हैंड साइड में आंसर दिया है वो क्या दिया है आपका, दिया हुआ है नाइन माइनस फिफ्टीन प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस टू। तो देखते हैं हमारा माइनस टू नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको हम राइट साइड में लिखेंगे। तो इसमें आप ना कैसे करेंगे हम, इसमें तो सबसे पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो लिखेंगे, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और ये प्लस फोर, ठीक है, एज इट इज़ लिखा हमने। अब उसके बाद अब यहाँ x की जगह हमें क्या फिल करना है, मैंने बताया था x की जगह आपको माइनस थ्री फिल करना है, यानी माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद ये माइनस है तो माइनस, ठीक है, उसके बाद ये फाइव एक्स है तो फाइव तो एज इट इज ही हो जाएगा, और जो x है उसकी जगह माइनस थ्री फिल कर सकते हैं, और ये प्लस फोर है तो प्लस फोर एज इट इज हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हुआ आपका। हम नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है। अब ये देखिए जब इसका करें तो मैंने आपको बताया जब माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री करें तो आपका प्लस का नाइन आ जाएगा, ठीक है, तो थ्री थ्री ज़ा नाइन आ गया। उसके बाद अब ये आपका क्या आएगा,
अब यहाँ देखिए, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तो ब्रैकेट में है, इसको हम करेंगे इनटू, तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 होगा, और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, यानी यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 15, सॉरी माइनस माइनस मिलके प्लस बनाएंगे ना, तो ये प्लस 15 हो जाएगा आपका, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, प्लस 15 होगा, और ये प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 हो गया। अब यहाँ देखिए क्या है, अब ये जो है ये क्या तीनों प्लस का है, तो इन दोनों को, तीनों को प्लस कर लेते हैं, तो 15 4 90, और उसके बाद ये 28, ठीक है, 28 आया ऐड करने पे। तो यहाँ देखिए क्या आपका आंसर आया है, अब यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है -2, लेकिन हमारा जो है आंसर क्या आ रहा है वो 28 है, ठीक है। तो ये इसके बराबर में नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आप फर्स्ट पार्ट में भी इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है, ये इसके बराबर में नहीं है। और फिर उसके बाद आपको इसकी करेक्ट स्टेटमेंट लिखनी होती है, तो करेक्ट स्टेटमेंट में आप लिख दीजिए इसको क्या है, जो एक्स का स्क्वायर है -5x + 4 वो -2 के बराबर में नहीं है, वो किसके बराबर में है, 28, यानी ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करें तो 28 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा था सी पार्ट, अब उसी तरह से करते हैं अपने, अब सी पार्ट को, ये आपका बी पार्ट था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, अब ये है आपका, यहाँ पे क्या है आपका, इसी तरह से बिल्कुल, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर, फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है +5x gives -3 2 का स्क्वायर + 5 -3 = -9 5 -15 = -24 आ रहा है हमारा राइट हैंड साइड। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 5x, पहले जो क्वेश्चन है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब इसको करें तो एक्स की जगह -3 और उसका स्क्वायर दिया हुआ है एक्स का, तो स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस, ये 5 है तो 5, और x की जगह आपको फिल करना है -3, ठीक है। तो फिर उसके बाद अब यहाँ क्या हो रहा है, जब -3 का इंटू करें -3 से तो प्लस करना ही ना जाएगा, ठीक है, मैंने इसको पहले भी बताया अभी। अब उसके बाद अब यहाँ देखिए 5 3 15, ठीक है, प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ -9 आ रहा है लेकिन यहाँ पे हमारा प्लस का 9 है, यहाँ -15 आ रहा है, यहाँ पे -15 है, ठीक है। तो अब यहाँ तो माइनस लगा हुआ है राइट हैंड साइड में, ठीक है, आपका माइनस नहीं होना चाहिए, ये प्लस में आ रहा है आपका। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, अब 9 में से 15 माइनस किया तो -6 आएगा हमारा, ठीक है, और लेकिन हमारे राइट साइड में आंसर क्या दिया हुआ है, -24, तो ये इसके बराबर में नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ये आप ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है, वो उसके बराबर में नहीं है तो उसको आप लिख दीजिएगा, इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको लिख देते हैं हम, तो जो x का स्क्वायर प्लस 5x है वो आपका -24 के बराबर में नहीं है, वो -6 के बराबर में है, ठीक है, ये होगा आपका आंसर, ठीक। तो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 का ए बी सी पार्ट किया, अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।